हाँ जी, एक बार फिर से मैं निकल पड़ा हूँ उसी रूट पर जो कि है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। और इस बार जो जर्नी है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, डिफरेंट ऐसे कि मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इस रूट के बारे में कि लेटेस्ट अपडेट क्या है इसका। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार जो जर्नी है थोड़ी और लंबी होगी। लंबी मीन्स कि मैं आपको प्रॉपर गांधीधाम तक रोड है वो दिखाऊंगा कैसे है, कि जब आप जामनगर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे छोड़ेंगे तो कहाँ पर छोड़ना है, और आगे अगर आपको गुजरात जाना है तो कहाँ से आपको एंट्री लेनी है, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे और फर्दर, क्योंकि जो मेरा ट्रिप है वो बहुत लंबा है, क्योंकि मैं जाऊंगा गांधीनगर से फर्दर भावनगर, तो वो रूट कैसा है, कौन सा रूट लेना है, कैसे जाना है वो भी दिखाऊंगा। फिर भावनगर से मेरे को जाना है सूरत, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट होने वाला, वो डिफरेंट ये कि मैं बाय रोड नहीं जाऊंगा वहां से। ऑफकोर्स गाड़ी जाएगी, ये गाड़ी जाएगी, सूरत जाएगी भावनगर से, भावनगर से सूरत के लिए, लेकिन वो बाय रोड नहीं जाएगी, ये जाएगी बाय शिप। शिप मीन्स कि उसमें एक्चुअली एक फेरी चलती है जो उसके अंदर हम गाड़ी को पार्क कर देंगे और अपनी टिकट भी लगेगी और साथ में गाड़ी की टिकट लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजीव गुप्ता एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। माय चैनल नेम इज राजीव इको। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अभी बज गए सुबह के 4:30, 4:31 एग्जैक्ट, और मैं ये जो जर्नी है ये स्टार्ट कर रहा हूँ करनाल हरियाणा से, और मेरा जो फर्स्ट ब्रेक होगा वो होगा सिरसा के, और जो मेरा फर्स्ट ब्रेक होगा वो होगा सिरसा के अंदर। सिरसा जो कि करनाल से लगभग पड़ता है 220 किलोमीटर, और ये समझ लो कि जो हरियाणा में करनाल है ये है यूपी के बॉर्डर के साथ लगता हुआ, और जो सिरसा है वो वेस्टर्न के अंदर राजस्थान बॉर्डर को शेयर करता है। तो मुझे लगेंगे लगभग 2.5 से 3 घंटे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 4:30 बजे हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि मैं लगभग 7 और 7:15, हाँ इतना ही टाइम लगना चाहिए, 7 और 7:15 के बीच में सिरसा पहुंच जाऊंगा। वहां से मैं अपने कजन को लूंगा और फर्दर फिर हम पहुंचेंगे सीधा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के ऊपर। अभी अंधेरा हो रखा है क्योंकि सुबह के 4:30 बजे हैं, दिन भी थोड़े छोटे हो गए हैं, सर्दियों का टाइम आ चुका है स्पेशली नॉर्थ, तो इसलिए जो अब सनराइज है वो लगभग 2 घंटे के बाद होगा, तो तब तक हम सिरसा के नजदीक लग चुके होंगे। साढ़े 7 बजे मैं लगभग सिरसा पहुंच गया था, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, आधा घंटा लगभग, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ सत्संग वगैरह है कोई, तो उस वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अभी यहाँ से मैंने अपने कजन को लेना है, वो जस्ट आ रहा है अभी, उसकी वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही वो आएगा हम निकलते हैं। यहाँ से जो रूट है वो बहुत सिंपल है, यहाँ से जाएंगे एलनाबाद। एलनाबाद एक यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है जो कि यहाँ की तहसील भी है सिरसा की, और वहाँ से हम लोग एंटर कर जाएंगे राजस्थान में, और देन रावतसर, पल्लू और फिर एक्सप्रेसवे। तो मेरा कजन भी आ गया है, आओ जी वेलकम है। तो इसकी तो शक्ल पहचान गए आप लोग। तो अभी हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं केड़ी जगह की भाई, कौन सी जगह, ये कौन सी जगह, ये थालड़ का, हम पहुंच गए थालड़ का। तो यहाँ से रावतसर, देन पल्लू और फिर हम पहुँचेंगे जयपुर, जो कि जहाँ से हम पहुँच चढ़ जाएंगे अपना एक्सप्रेस वे के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये जो पीछे मेरे खेत दिख रहे हैं इसके अंदर कपास लगी हुई है, यानी कि नॉर्मल भाषा में कहूँ तो कॉटन। अब जो लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा, अदरवाइज ये देखो ये ऐसे लगी हुई है, ये रुई लगी हुई है, ये जो है ये रुई है, ये पूरे उसमें सब ये रुई लगी हुई। तो अब निकलते हैं, और ड्राइवरों का भी आदान प्रदान कर लिया है, अब
अरुण चलाएगा गाड़ी और मैं बैठूंगा। अभी पहुंच गए रावतसर, अब रावतसर से जाएंगे पल्लू, पल्लू से जैतपुर और जैतपुर से एक्सप्रेस वे। Take the next right onto Mahajan, Palu, Mandapura, Mahajan, Palu, Mandapura, Noha Road for 16 kilometers. Jodhpur 420 Bikaner 162. जयपुर पहुंच गए हम लोग और यहां से हार्डली 8.5 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेस वे है। अभी गाड़ी के अंदर हम लोग डीजल ले रहे हैं, टैंक फुल करा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक्सप्रेस वे के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, फ्यूल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ना कुछ खाने को मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेस वे से 1.5 किलोमीटर पहले जैतपुर में ही पड़ता है पंप, तो ये रिकमेंडेड है कि यहाँ से आप अपना टैंक फुल करवा लो, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। ये जो आगे एक्सप्रेसवे है, हाँ जी, हाँ 2.5 किलोमीटर पास में ही है। नहीं, यहाँ से ये तो बीकानेर की तरफ जाता है, जैसे जोधपुर बीकानेर, पूरा गुजरात तक जाता है। हाँ, गुजरात से भी आगे जाता नहीं, है। अगर किधर जाना, हनुमानगढ़ की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ जाना है तो भैया हनुमानगढ़ की तरफ आगे बंद है रास्ता। अच्छा, आगे जाता है, मानता अधिकार नहीं। कैसे जाएंगे यहाँ से, यहाँ से कैसे जाएंगे हनुमानगढ़ी तरफ जाना, तो यहीं से चढ़ जाएंगे। थोड़ा क्या है, आगे पुल बन रहे हैं, नीचे उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, कितना टाइम लगता है हनुमानगढ़ तक? यहाँ से 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर आगे संगरिया भी जाता है? हाँ, सीधा संगरिया। वो भी ऐसे ही ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे? नहीं नहीं, हाँ वो आगे हाईवे है। अच्छा, आगे हाईवे है, मतलब एक्सप्रेस वे कहाँ जाके छोड़ना पड़ेगा? हनुमानगढ़ छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाना है वो? अपने तो खैर वहाँ जा रहे हैं, हम तो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात, लेकिन हम आए सिरसा से है ना, तो मैं देख रहे हैं अगर हनुमानगढ़ से चढ़ जाए उधर से। बस ठीक है, छोड़ दे फिर। ऑटो कट हो गया, ये आया है, कितने लीटर आ गया भाई? 54 नहीं, कितना है? हाँ 54 लीटर आ गया है। 3300 अब यहाँ से फिर से निकले एक्सप्रेस वे की तरफ। और जैसा कि भी आपने सुन लिया होगा, जो यहाँ पे भाई साहब खड़े थे बता रहे थे कि हनुमानगढ़ तक जा सकते हैं यहाँ से, यानी कि अगर उधर से आएंगे तो हनुमानगढ़ से भी इस एक्सप्रेस वे को हम आ सकते हैं, लेकिन बस वही है कि कह रहे हैं कि जितने पुल हैं वो अभी कुछ बने हैं कुछ नहीं बने हैं, तो जहाँ पुल नहीं बना होगा तो वहाँ एक बार नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो। जो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो उसमें मैंने शो किया था कि पुल नहीं बना हुआ तो मिट्टी का रास्ता है, वो नीचे उतर जाओ फिर ऊपर चढ़ जाओ, तो लगभग 80 किलोमीटर है यहाँ से हनुमानगढ़, तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी रिस्क वाली बात है कि अगर आप कच्चे रास्ते से कभी ऊपर चढ़ रहे हो, कभी नीचे उतर रहे हो, कहीं वो गीला हुआ गाड़ी फंस जाए, तो बेटर है कि अभी फिलहाल जो ये मेन हाईवे है यही, इसी को ही कंटिन्यू करो। तो अगर जैतपुर में आके आप इस एक्सप्रेस वे को छोड़ते हो तो ये जो सामने रोड नजर आ रही है, तो ये रोड आपको मिलेगी जो कि जाएगी पल्लू, पल्लू से रावतसर, रावतसर से फिर एलनाबाद सिरसा होते हुए आप फर्दर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पंजाब साइड जाना है या राजस्थान की तरफ जाना है। राजस्थान जाना है तो सीधा रावतसर से हनुमानगढ़ उस हाईवे पर। ये देखिए सामने एक्सप्रेस वे है, थोड़ा धीरे चलाना भी यहाँ पे, थोड़ा सा ज्ञान साझा किया जाए, करो जी करो। तो ये देखो जैसे लिखा हुआ है, एक रूट जा रहा है संगरिया को जो कि राइट साइड है, और बीकानेर जाना है लेफ्ट साइड, तो हमने जैसे गुजरात जाना है तो हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट। लगभग 650 रुपये लगते हैं इस एक्सप्रेस वे के, जहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे। जो अगर यहाँ से नज़र आ रहा हो आपको, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पे इस तरह से पत्थर लगा करके बैरिकेड से लगाए हुए हैं, यानी कि रोड को ब्लॉक किया हुआ है। रोड बना हुआ है आगे वैसे तो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। रोड बना हुआ है लेकिन इसको ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि आगे कई जगह पुल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के ऊपर जो मेन इशू है वो यही है कि ना तो कोई पेट्रोल पंप मिलेगा, ना ही कोई आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी। इसीलिए हमने भी पहले ही सारा डीजल वगैरह ले लिया, टैंक फुल करवा लिया है। तो आप क्योंकि 450 किलोमीटर है तो अपनी गाड़ी 600+ किलोमीटर चल जाती है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने मैप के ऊपर लगाया है पकौड़ा, ये पकौड़ा तक जाएंगे। अगर आपको मैं दिखाऊँ इसके ऊपर, ये दिखा रहा है 6 घंटे 34 मिनट 455 455 किलोमीटर। क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि हम लोग लगभग 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे के बीच में इसको हम निपटा लेंगे। अभी बेसिक इम्यूनिटीज, अभी बेसिक इम्यूनिटीज वाला आने वाला है जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह फ्यूल वगैरह ये सारे ऑप्शंस बनेंगे। अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। बोर्ड आ गया 1 किलोमीटर के बाद दिखा रहे हैं, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये बोर्ड आ गया, ये 500 मीटर्स पे है। नीचे लो, हाँ एक बार नीचे ले लो। तो ये देखो यहाँ से ऐसे रैंप से नीचे जाना है और ये सामने आ गया बेसिक एमिनिटीज का अंडर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया। तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कितना काम पेंडिंग है। कुछ काम नहीं, और बिल्कुल ही बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप नज़दीक से देखो, आप नज़दीक से देखो, बिल्कुल काम अभी मतलब काम ही बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, काफ़ी पेंडिंग है। तो ये सिर्फ यहाँ पे, ये तो खैर फूड कोर्ट हो गया, और आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे फ्यूल के लिए, अगर आपके आपको अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल लेना है तो इस हिस्से में बनेगा। तो ये काम भी अभी पेंडिंग है। शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके हैं चाय पीने के लिए। अब आप कहोगे चाय कहाँ से ले रहे हो भाई, चाय तो यहाँ पे आप कह रहे मिलती नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो रेगुलर बेसिक कम्युनिटीज़ वाले ऑप्शन है वो नहीं है। लेकिन ये देखो जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पे एक छपरी मिल जाएंगी, जैसे ये ट्रक वगैरह खड़े होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको चाय का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के जो भी आपको खाने पीने का अगर चाहिए यहाँ पे इस स्ट्रेच पे, क्योंकि लगभग 4-4.5 घंटे का स्ट्रेच है ये, तो ऑफकोर्स भूख तो लगती है, कुछ ना कुछ चाहिए खाने को, तो वो आप लेकर के आए। यानी कि यहाँ से आप इस एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ अपने लिए खाने पीने का साथ में जरूर रखें। फ्यूल तो ऑफकोर्स लेना ही पड़ेगा आपको, और खाने पीने का भी साथ में रखें तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं जा कर के गाड़ी को किसी न किसी सिटी में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप लंच डिनर जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से अपना मील लेंगे, और देन वापस आप उसको इस एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे। तो उसमें तो आपका टोल टैक्स एक्स्ट्रा कटेगा प्लस टाइम वेस्ट होगा।
यहाँ से हमें एग्जिट लेना पड़ेगा क्योंकि आगे बंद है, आगे जाना अलाउड नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट लेंगे, टोल कटवाएंगे और वापस फिर इसी पे चढ़ जाएंगे। इसको भगोड़ा वाला घाट ही बोलते हैं वैसे, लेकिन भगोड़ा यहाँ से है अभी लगभग 30 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया, टोल कटेगा लेकिन वापस फिर इसी पे चढ़ जाएंगे। लेकिन हमें सीधा जाना है, खुला है, खुला है, साइड से खुला है। ये टोल टैक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन साइड से एक लेन ओपन है। हर्डल्स आएंगे जैसे ये सामने आया है, अब इसमें क्या है कि यहाँ से राउंड साइड लेंगे फिर वापस फिर इसी पे आ जाएंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो देखेगा। ये देखिए मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ से राउंड साइड लेंगे। से होके जाने से तो बेटर है। बस यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना। ये देखो सामने जैसे आ गया, तो उच्चे बड़ा हुए निकल जाएगी गाड़ी, निकलता जाऊंगी। ये देखो ओ ओ ओ, ओ, ओ। तो ये बीच में ये हटल आ गया, तो बहुत ज्यादा है ले। चलो चढ़ा के देखते हैं, 4x4 कर लेंगे। आ जा, कोई गल नहीं, बजन दे, कुछ नहीं हुंदा, आता सरी थोड़ा जा, आ जा 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 आ जा, बस होगी उच्ची, आ जा। यहाँ पे इस तरह से रास्ते आते हैं, बीच में जैसे देखो ये पुल बनने वाला है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से नीचे उतरना एक्सप्रेसवे का जो पुल है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए यहाँ से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। ये भगोड़ा का कट है, ये जो पीछे चला गया, यहाँ से हमने इधर आ गए हैं, और इसके बाद भगोड़ा, भगोड़ा से फिर हम आगे गांव में सोते जाएंगे। तो ये मेरा एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो लेकिन ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, मैं आगे फर्दर गांधीधाम तक आपको दिखाऊँगा। यहाँ एक पुलिस वाले भैया मिले, उन्होंने हमें गाइड किया कि इस रूट से चले जाओ जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। देखो जो कच्चा कच्चा सा रूट है,
तो एक मेड़ा करके जगह आएगी, मेड़ा मेड़ा से जोधावास। तो ये रूट करे अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है, देखते हैं। अभी ये देखो ये पुल बन रहा है, ये एक्सप्रेसवे का पुल है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली ये नीचे नदी है जिसके अंदर अभी हम चल रहे हैं, ये नदी है और ये रहा पीछे आगे पानी दिख रहा होगा आपको। ये एक्चुअली जो पुलिस वाले ने हमें बताया तो उसके हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, उन्होंने हमें गाइड किया कि इधर से चले जाओ मेड़ा पहुँचोगे। ये चार पांच पुल तक क्रॉस करने के बाद एक बड़ी रोड आएगी, उसको पकड़ के मेड़ा, मेड़ा से फिर क्या नाम था उसका भाई, जोधावास, पर नदी आ गई। इसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, ये चढ़ाई काफी स्टीप है, ठीक है, कुछ नहीं। ये देखो ये सामने पुल बन रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से नीचे उतर। रुक जा, सामने बाइक आ रही है, स्कॉने दो, ये पुल जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चल अभी ये देखो ये रोड देखो कितना अच्छा है, ये हम जा रहे हैं जाम, जाम की तरफ, जाम से फिर जाएंगे सांचोर जो कि लगभग यहाँ से है 45 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया, सिर्फ वो बीच का स्ट्रेच था जो थोड़ा डिस्टर्ब था, बाकी ओवरऑल अच्छा है। NH68 है, रोड बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ओवरटेकिंग नहीं है, ओवरटेकिंग में काफ़ी इशू हो रहा है। संचोर पहुंच गए और ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी अंदर ही लगे, तू तो अंदर लगा, तू के बाहर लगा रहे हैं यार, शीशा बहुत गंदा है। लंच नहीं किया हुआ है, तो करेंगे हम लोग लंच। अभी बज गए हैं 4:45 शाम के और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं संचोर से, जो कि है बॉर्डर एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा रुके हैं और ठीक है यार, अब सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं 4:30 के, तो बनता है एक ब्रेक तो अच्छा खासा। लंच भी हो गया, गाड़ी को रेस्ट भी हो गया और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा गांधीधाम के लिए। गूगल दिखा रहा है लगभग लगेंगे 6 से 6.5 घंटे, लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे 4.5 घंटे के आसपास। तो बाकी देखते हैं आगे ट्रैफिक कितना मिलता है, और रूट तो रिलेटिवली ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग गुजरात में एंटर कर गए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लिया हम लोगों ने, तो एज यूजुअल चेकिंग होती है, यहाँ भी हुई है, तो हमारे पास कुछ था नहीं तो हम निकल लिए यहाँ से। अब उम्मीद है कि हम लोग 10 बजे के आसपास गांधीधाम पहुँच जाएंगे, बस रोड अच्छा होना चाहिए। लास्ट टाइम जब आए थे बहुत खट्टा खट्टी थी, इस बार वो ना हो तो टाइमली पहुँच जाएंगे। आगे अब शाम हो रही है तो इसके बाद देखते हैं कहाँ मौका मिलता मुझे रिकॉर्ड करने का। तो भाई हम दोबारा से सेम एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं, इसका नंबर है 68। इस एक्सप्रेस वे का नंबर चेंज हो गया है क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो पीछे अभी तक एक्सप्रेस वे बना था वो बना था ग्रीन फील्ड पे, को ग्रीन फील्ड के ऊपर, यानी कि किसानों की जमीन लेकर के बनाया गया था। ये जो है एग्जिस्टिंग एक्सप्रेस वे को ही एक्सटेंड किया गया है, तो ये NH68 है लेकिन है एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है 754 के। तो अब लगभग 43 किलोमीटर्स बता रहे हैं कि ये रहेगा हमारे साथ और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा बना हुआ यार, बढ़िया है। यहाँ से जो गांधीधाम है वो है 180 किलोमीटर्स, तो लगभग हम 9:30 और 10 के बीच में, 9:30-10 के बीच में पहुंच जाएंगे
और बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है, खूब अंधेरा। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो बस एक लू ब्रेक के लिए रुके थे, तो अभी निकल रहे हैं, तो वहाँ पहुँच कर ही दोबारा कनेक्ट करूँगा आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गांधीधाम पहुँच गए हैं, होटल के अंदर चेक इन मतलब रूम के अंदर चेक इन कर लिया है। तो आपको एक बार रूम टूर भी करा देता हूँ मैं। ये रूम है, ये ट्रिप खत्म होता है अभी यहाँ पर। ट्रिप मींस कि आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। गांधीधाम पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे गांधीधाम से भावनगर, वो जाएंगे 2 या 3 दिन के बाद। तो 2 से 3 दिन के बाद मैं दोबारा शूट करूँगा इसको। अभी मेरे को 2-3 दिन यहाँ पे काम है, कुछ मेरे बिजनेस मीटिंग्स हैं वो अटेंड करूँगा, उस दौरान तो खैर मैं शूटिंग नहीं करूँगा। तो 2-3 दिन बाद के तो इसके बाद नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा वो रहेगा गांधीधाम टू भावनगर। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।